लेसन नंबर 5 माल न्यूट्रिशन एंड इफेक्ट्स पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है ना, ताकत मिलती है। और जो हम काम करते हैं रोज, जो हम कई सारे काम करते हैं, तो कौन कौन से काम करते हैं बेटा, आरिफ बताइए। खेलते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं। हाँ बैठिए, तो हम दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि हमने खाना खाया है, खेल रहे हैं, कभी मार्केट जा रहे हैं, कभी हम मंदिर जा रहे हैं, घर के काम करते हैं, बर्तन धो रहे हैं, या कई सारे काम हैं जो दिन भर हम करते हैं। तो ऐसे काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ताकत की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाना खाने से मिलती है। और दिन भर में जो है हम अलग अलग प्रकार के खाने खाते हैं, जैसे कि हमने सुबह हुआ तो हमने नाश्ता कर लिया, पराठा सब्जी खा ली है, दिन हुआ तो हमने दाल चावल खा लिया, शाम हुई तो हमने पूरी सब्जी, कुछ भी, मतलब हम कुछ ना कुछ खाते हैं। तो ये जो खाना हम खाते हैं, खाने के साथ साथ हम लोग फल सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? ताकत मिलती है। तो आज जो है हम ये जो खाना हम खाते हैं, इससे खाने से क्या फायदा होता है? हम स्वस्थ रहते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए और बीमारी से बचने के लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए। हाँ अभी बताओ, संतुलित आहार का मतलब ये है कि जो हमारा खाना है उसमें हमें कई एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, फल हो गए, दूध हो गए, ये सब चीज़ें हमें खानी है। और हमें किस मात्रा में कितनी चीज़ें खानी है उनको जो है हम कहते हैं, जब हम उनको सही मात्रा में खाते हैं, जैसे कि चावल है, चावल हमें जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, घी तेल हमें कम मात्रा में चाहिए, मक्खन हमें कम मात्रा में चाहिए। तो जो चीज़ें हमें जिस मात्रा में चाहिए उसको अगर हम बराबर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमें किन पदार्थों से मिलता है? यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें जो आपको खाने वाले पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रोटी है, चावल है, आलू है, चीनी है, गन्ना है, इन सब चीज़ों से, ये इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो मिलते हैं जिससे कि हमारा पेट जो है वो तुरंत हमें भरा हुआ महसूस होता है, जैसे कि हमने चावल खाया या रोटी खाई, तो रोटी खाने से क्या होता है, हमें अपना पेट जो है वो भरा हुआ लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो है हमें इन चीज़ों से मिलता है, जैसे कि हम अपने खाने में दाल है, तरह तरह की दालें खाते हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, राजमा है, चने हैं, इनसे क्या होता है, हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है।